हमने देखिए पल्प निकाल लिया है पूरा, इसमें चीनी मिला के रख दी है। पर आपको सिर्फ एक जो ध्यान में रखना है कि आप इसमें एक भी बूंद पानी ना जाए, तभी ये अच्छे से रहेगा। और ऊपर से हमें एक लेयर बना देनी है इसकी। हमने चीनी नीचे भी डाली है, चीनी हमने पल्प में मिक्स भी की है, और हम ऐसे एक लेयर बना देंगे और से एक एयर टाइट कंटेनर में अच्छे से पैक करके फ्रीजर में रखेंगे। और बस हमारा पल्प रेडी है। देखिए हमने चार सीताफलों से ये दो कंटेनर भर के पल्प बनाया है। ये बहुत लंबे टाइम तक चलेंगे। सीताफल का सीजन भी चला गया, फिर भी आप सीताफल का मजा ले सकते हैं। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट 24। जैसे कि आप जानते हैं अभी बाजार में बहुत सारे अच्छे सीताफल मिल रहे हैं। देखिए बहुत ही अच्छे बढ़िया सीताफल अभी अवेलेबल है। दिनों तक हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, इसके लिए हमने लिए हैं सीताफल। देखिए ये बड़े बड़े आपको लेने हैं, जिसके जो ये आंखें कहते हैं, जो आईज या आंखें हम कहेंगे, उनको चुन के बड़ा बड़ा लीजिए। देखिए इन सब के हमने ऐसे बड़े बड़े लिए हैं, और ये पके हैं पर बहुत ज्यादा गले नहीं, पके हैं बट स्लाइटली से दब रहे हैं, बहुत ज्यादा दब नहीं रहे। तो इन्हें हमने अच्छे से साफ कर लिया है कपड़ों से ऊपर से। अब इन सीताफलों को हमें ऊपर से ऐसे जस्ट कट करना है, हाथों से बिल्कुल धीमे से बड़े प्यार से ऐसे हम निकालेंगे। और ये जो पल्प है इसको हम चम्मच की सहायता से निकालेंगे। आप इसके लिए एक ऐसे छन्नी ले सकते हैं बाउल में, या आपके पास ऐसे छन्नी नहीं है तो आप ये जिससे हम मैदा सेव करते हैं वो भी ले सकते हैं। इसके लिए हम ऐसे चम्मच से सब निकाल देंगे, जो खराब वाला पार्ट है वो ना डालें। देख लें अगर खराब है तो उसे छोड़ दें। ये देखिए अच्छा वाला पार्ट मैं निकाल रही हूं, क्योंकि ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो इन्हें स्टोर करना ही एक सबसे बढ़िया काम है। और इनके पीछे हमें लगता है कि थोड़ा टायरिंग सा हो जाता है, पर ये बड़े आसानी से निकल जाएंगे। आप देखिएगा, बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको परफेक्ट 24 की रेसिपीज पसंद आती है तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें मेरे रेसिपीज पे। देखिए हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट तीन सीताफलों का पल्प निकाल लिया। पहले इतने निकालते हैं, बाद में रिमेनिंग सीताफलों का निकालेंगे। इसके लिए मैंने एक विस्कर ले लिया है, इसे दबाते हुए करें। देखिए पल्प इकट्ठा हो रहा है नीचे। देखिए बीजें अलग निकल रही हैं, जो निकल गए उनको पहले हम अलग कर लेते हैं। देखिए ऐसे फिर से हम जो बीजे हैं वो कलेक्ट कर लेंगे। देखिए बड़े आसानी से निकल जाते हैं। देखिए
जस्ट थोड़ा सा पीछे से टेल से जो है उसको दबाइए, ये निकल जाते हैं बीच। देखिए ऑलमोस्ट सभी बीजें निकल गई हैं अभी, बस चेक कर लेते हैं कहीं एक आध रह गई है तो। यस, एक। देखिए ये नीचे का, ये हम सब मिक्स करेंगे अभी ये पल्प। देखिए कितने आसानी से 5-10 मिनट में ऑलमोस्ट 4 सीताफलों का ये पल्प निकल गया है। लगता है मैं थोड़ा कि मुश्किल है, पर बड़े आसानी से पल्प निकल जाता है और आप इसे स्टोर कर सकते हैं फ्रीजर में ऑलमोस्ट 3 मंथ्स तक। चाहे तो आप आइसक्रीम बनाएं, बासुंदी बनाएं, खीर बनाएं, मिल्कशेक बनाएं। अभी देखते हैं इसे स्टोर कैसे करना है। मैंने यहाँ पे ग्लास जार्स ले लिए, अगर मेरे पास ऐसे फ्लैट जार्स हैं, अगर आपके पास लंबे हैं बड़े हैं दैट इज बेटर आई थिंक। इस जार्स में पहले हम ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून के करीब मैंने चीनी ली है। बॉटम जैसे ना, देखिए ये बॉटम फिल हो जाए हमें इतनी चीनी डालनी है और मैं उतनी ही चीनी ये पल्प में डाल रही हूँ। जस्ट उसे एक बार मिला देंगे। ये यहाँ पे प्रिजर्वेटिव का काम करें क्योंकि हम इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाल रहे हैं, चीनी ही प्रिजर्वेटिव का काम करेगी। अभी ये पल्प हम पूरा इसमें ट्रांसफर करेंगे और सिर्फ एक ध्यान दीजिएगा, जब आप जो भी चीज बनाएं तब आपको चीनी, आपका सीताफल कितना मीठा है और आपने कितनी चीनी डाली है इसको प्रिजर्व करने के लिए, उस हिसाब से डालिएगा। ऊपर से अभी हम फिर इसमें एक पतली लेयर चीनी की बना देंगे ताकि हमारा ये काफी दिनों तक रहे। और बस देखिए हमारा एक पूरा जार बन गया है पल्प, रेडी टू स्टोर। ऐसे लॉकिंग सिस्टम वाला बनाइए। देखिए पूरा जार हमारा अच्छे से भर गया है। ये आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा ये हमारा वीडियो। पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और देखते रहें परफेक्ट 24। थैंक यू वेरी मच।